बंगाल में तो इंडी गठबंधन टूट के कगार पर है, बिहार लेकर चलते हैं वहां अलग ठन गई है। ठाकुर पर इंडी गठबंधन में शोले क्यों भड़क रहे हैं? असल में पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ, यह कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा की एक कविता, आज से 6 दिन पहले 21 सितंबर को मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान संसद में ठाकुर का कुआं नाम की कविता सुनाई थी। इस कविता के बाद से ही बिहार में आरजेडी और जेडीयू आपस में भिड़ गए हैं, भड़क रहे हैं। बिहार में आरजेडी को ठाकुर क्षत्रिय विरोधी बताया जाने लगा है। इसलिए सबसे पहले आपको ऐसा करिए, एक बार वो कविता सुननी चाहिए जो मनोज झा ने पढ़ी, जिसकी वजह से बिहार में इंडी गठबंधन में चिंगारियां फूट रही हैं। सुनिए आप मनोज झा की वो कविता। हम सबके अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूँ, वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। देखिए मनोज झा ने क्लेरिफिकेशन दिया था, लेकिन ये क्लेरिफिकेशन शायद गले नहीं उतरा जेडीयू के। मनोज झा की इसी कविता के बाद आरजेडी के विधायक चेतन आनंद अपने ही सांसद के खिलाफ भड़क गए। चेतन आनंद ने कहा कि समाजवाद के नाम पर एक जाति को टारगेट करने की कोशिश की गई और ठाकुर समाज मनोज झा की आपत्तिजनक टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आरजेडी के सांसद के खिलाफ जेडीयू के प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा कि मनोज झा ने राजपूतों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की है। जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि मनोज झा ने राजपूतों पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है उसे राजपूत समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इंडी गठबंधन में बस सोचिए कितनी लड़ाई चल रही है इस वक्त। मनोज झा के खिलाफ आरजेडी और जेडीयू के क्षत्रिय नेताओं के बाद बीजेपी विधायक नीरज सिंह ने कहा है कि अगर मनोज झा उनके सामने कविता पढ़ने की हिम्मत करते तो वो उनका मुंह तोड़ देते। लेकिन मनोज झा के बयान के बाद बिहार में भले क्षत्रिय समाज के नेता आरजेडी से नाराज हो, लेकिन आरजेडी ने कहा कि मनोज झा की कविता में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। मिलकर सरकार चल रही है वैसे बिहार में। और मनोज झा ने जो कहा है ना, वो पार्टी की लाइन, पार्टी की लाइन। तो मनोज झा जी को ये समझ लेना चाहिए कि ये सब चीजें जो है समाजवाद को पसंद नहीं है। समाजवाद सबको एक साथ लेकर के चलता है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे, कुछ भी चीज अगर है जो हमको पसंद नहीं आएगी उसके बारे में हम खुल के बोलेंगे। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाए और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहे। उनके द्वारा ऐसे ठाकुरों के प्रति इस तरह के जो वक्तव्य का प्रयोग का हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं उनका, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनसे अगर स्लिप ऑफ टंग हुआ है तो आशा करते हैं कि वो सार्वजनिक माफी मांग ले, नहीं तो राजद का शीर्ष नेतृत्व इस मामले को देखे। बयान पूरी तरह प्री प्लांट बयान है और लालू जी के निर्देश पे इस तरह का बयान दिया गया है। अगर इस तरह के बयानबाजी मेरे सामने हुआ होता तो निश्चित रूप से मुंह तोड़ने का काम करते। वो कविता दबंगई के खिलाफ, वो दबंगई संस्थानों में है, वो दबंगई हर जगह है, और वो दबंगई का भाव अगर आपके अंदर है, मेरे अंदर है, उनके अंदर है, इनके अंदर है, तो उस भाव का प्रत्याग करना चाहिए, हटाना चाहिए, निकालना चाहिए।